हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कुल 8 विधियाँ हैं, जिसमें से कुछ विधियों का ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो ये सबसे पहले समझते हैं फ्रेज या एपोजिशन का क्या अर्थ होता है। देखिए, फ्रेज का अर्थ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, शब्दों का एक समूह जिसमें वर्ब नहीं होती है। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज जो है लगभग पूरा अर्थ तो नहीं देता, लेकिन लगभग पूरा अर्थ देता है, और उसमें वर्ब नहीं होती है। और एपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब बगल में। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक कोई नाउन हो सकता है कि किसी दूसरे नाउन की व्याख्या करे, या हो सकता है कि कोई फ्रेज किसी नाउन की व्याख्या करे, तो हम उसके पास में दो कामा के बीच में रख देते हैं, उसे ही नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन बोलते हैं। जैसे अब जैसे आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, कबीर अ ग्रेट पोएट वॉज अ रिफॉर्मर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अ ग्रेट पोएट है ये एक फ्रेज है, और यह एपोजिशन में है। किसके एपोजिशन में है? कबीर की। इसका प्रयोग जो है, दो कामा के बीच में हमने इसको रखा है, यह कबीर की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कबीर क्या थे? कवि एक ग्रेट पोएट थे। अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि, किसकी व्याख्या कर रहा है? कबीर की। तो कबीर की व्याख्या कर रहा है, तो हम इसे दो कामा के बीच में रखेंगे, तो पूरा इस तरह होगा कि कबीर अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि वॉज अ रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक थे। कबीर एक महान पोएट, एक समाज सुधारक थे। तो यहाँ पर जो है अ ग्रेट पोएट क्या है? अ ग्रेट पोएट यह एक फ्रेज है, क्योंकि यह शब्दों का समूह होता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, और उसका अपना वर्ब नहीं होता। तो अब ये जो है, ये व्याख्या कर रहा है कि ये किसकी व्याख्या कर रहा है? ये कर रहा है कबीर की व्याख्या। तो हम इसको एपोजिशन में रखें। एपोजिशन मतलब क्या था? साइड बाय साइड, ठीक है। तो उसके, तो हम जो है उस नाउन के बगल में इसको रखेंगे जिसकी वह व्याख्या कर रहा है। तो अ ग्रेट पोएट किसकी व्याख्या कर रहा है? कबीर की। तो हम इसके बगल में रखेंगे, दो कामा के बीच में। अब अगर ये सेंटेंस जो है अलग अलग देता तो इस प्रकार देता। देखिए, ये सेंटेंस इस प्रकार देता, आपके सामने है, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, यह एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सिंपल सेंटेंस है कि ही वाज रिफॉर्मर, कबीर एक महान कवि थे और वह एक समाज सुधारक थे। तो अब इसमें देखिए, इसमें ये एक सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है, तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें वाज है, इसमें भी वाज है। तो अब ये जो है दो वर्ब हो गए, लेकिन हमें जो है इन दोनों को कंबाइन करके जब एक वाक्य बनाना है तो हमें एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर कबीर की व्याख्या क्या कर रहा है? कबीर की व्याख्या ये कर रहा है कि अ ग्रेट पोएट, ठीक। तो हमने इसको एपोजिशन में रख दिया। और देखिए, इसको इस दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर कबीर क्या थे? कबीर एक रिफॉर्मर भी थे, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ इस अ ग्रेट पोएट के स्थान पर हम अ रिफॉर्मर भी ले सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कबीर अ रिफॉर्मर वॉज अ ग्रेट पोएट। अब आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। देखिए, अगला सेंटेंस क्या है? रोहन वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था। दूसरा, ही वॉज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। रोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था, वह मॉनिटर था। अब दो सेंटेंसेस हो गए हैं, इसको मिला के एक करना है, तो हम एपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर, अब देखिए रोहन की व्याख्या क्या कर रहा है? रोहन की व्याख्या कर रहा है कि रोहन क्या था? द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये पूरा, एक तो ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या व्याख्या कर रहा है?
क्या था वो मॉनिटर था, तो हम इसमें से किसी को भी एपोजिशन में रख सकते हैं। किसकी, ये किसकी व्याख्या कर रहा है, क्लास का बेस्ट बॉय कौन था, रोहन था। दूसरा क्या है, मॉनिटर कौन था, रोहन था। तो हम इसमें से किसी को भी एपोजिशन में रख सकते हैं, अर्थात इसके बगल में रखेंगे दो कामा के बीच में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि रोहन द मॉनिटर, हम ऐसे लिख सकते हैं रोहन द मॉनिटर, अभी हमने यहाँ पर मॉनिटर को एपोजिशन रखा है, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कह रहा है रोहन मॉनिटर जो है क्लास का सबसे बेस्ट बॉय था। या हम इसको भी एपोजिशन में रख सकते हैं, हम यहाँ इसको भी कर सकते हैं, द बेस्ट बॉय इन द क्लास को भी रख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ रोहन के बाद हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि द बेस्ट बॉय इन द क्लास और वॉज द मॉनिटर, ऐसे लिख सकते हैं, तो रोहन द बेस्ट बॉय इन द क्लास वॉज द मॉनिटर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन, नाउन को एपोजिशन में रखकर या फ्रेज को एपोजिशन में रखकर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में जो था वहाँ पर फ्रेज था, जो ऊपर वाला एग्जांपल हमने बताया, और यहाँ पर देखिए मॉनिटर है तो ये नाउन है, यहाँ पर नाउन एपोजिशन में है, नाउन रोहन की व्याख्या कर रहा है, और ऊपर वाले में जो हमने पढ़ा था अभी उसमें जो था वो फ्रेज एपोजिशन में था। इस वाले में देखिए यहाँ पर जो है कबीर की एपोजिशन क्या है, अ ग्रेट पोएट, यहाँ पर ये फ्रेज है, और उस वाले में मॉनिटर वो नाउन था। तो हम लोग इसमें यही पढ़े नाउन या फ्रेज को एपोजिशन में रख करके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है कि तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ द रामायण, तुलसीदास रामायण के लेखक थे, तुलसीदास रामायण के लेखक थे। और दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है कि ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वो भारत के महान कवि थे। इसमें क्या कर रहा है कि तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ द रामायण, तुलसीदास रामायण के लेखक थे, और ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वो भारत के एक महान पोएट थे, एक महान कवि थे। तो अब इसमें देखिए तुलसीदास की व्याख्या कौन कौन क्या क्या कौन कौन इसमें फ्रेज या नाउन कर रहा है। अब इसमें देखिए तुलसीदास की व्याख्या क्या कर रहा है, क्या थे तुलसीदास, द ऑथर ऑफ द रामायण, रामायण के ऑथर थे। ये तो एक तो इसको हम एपोजिशन में रख सकते हैं, और हम चाहे तो इसको भी रख सकते हैं कि तुलसीदास क्या थे, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के एक महान कवि थे। तो इन दोनों में से किसी को भी तुलसीदास के एपोजिशन में रख सकते हैं, तुलसीदास बगल में रखकर दो कामा के बीच में रखेंगे तो एपोजिशन में हो जाएगा, अगर एक को रखेंगे तो दूसरा अपने स्थान पर रहेगा। तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, देखिए तुलसीदास अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, तुलसीदास भारत के महान कवि, वाज द ऑथर ऑफ द रामायण। अब इसमें अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया क्या है, एपोजिशन में देखिए दो कामा के बीच में हमने रखा है, ठीक, दो कामा के बीच में हमने इसको रखा है। अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ये कि तुलसीदास द ऑथर ऑफ द रामायण, देखिए हमने इस बार क्या किया, इसको रख दिया एपोजिशन में, तुलसीदास रामायण के लेखक वाज अ ग्रेट पोएट। तो हम यहाँ पर दोनों को रखते हैं, देखिए यहाँ पर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया लिखे हैं तो दूसरा अपने स्थान पर है, इसमें द ऑथर ऑफ द रामायण लिखे हैं तो इसमें अ ग्रेट पोएट ये अपने स्थान पर आया है। तो इसमें से किसी को भी एपोजिशन में रख सकते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए यहाँ पर है क्या कह रहा है कि मिस्टर राकेश इज अ टीचर, मिस्टर राकेश एक अध्यापक है, ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है, मिस्टर राकेश एक अध्यापक है, वह बहुत सज्जन है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर राकेश की व्याख्या क्या कर रहा है, मिस्टर राकेश क्या है, एक टीचर भी है, ठीक है, और चाहे तो आप इसको भी एपोजिशन रख सकते हैं, वेरी जेंटल को भी एपोजिशन रख सकते हैं, इसमें से किसी को भी एपोजिशन में आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इस तरह लिखा है इसको कि मिस्टर राकेश अ टीचर, हमने टीचर को एपोजिशन रखा है, तो ये क्या है, नाउन है, मिस्टर राकेश अ टीचर इज वेरी जेंटल, मिस्टर राकेश एक अध्यापक बहुत सज्जन है। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इसमें कि माई फादर वेंट टू लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ गए, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कह रहा है कि मेरे पिताजी लखनऊ गए, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो अब इसमें देखिए लखनऊ की व्याख्या कौन सा नाउन या फ्रेज कर रहा है, तो इसमें लखनऊ क्या है,
लखनऊ क्या है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मेरे पिताजी लखनऊ गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो हम इसको देखिए इस तरह हमने किया है, माई फादर वेंट टू लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ गए। लखनऊ क्या है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रेज यहाँ पर लास्ट में अपोजिशन में आया है, अब इसके पहले जो बताया था वो बीच में आ रहा था, यहाँ पर ये जो अपोजिशन आया है वो लास्ट में आया है। तो जब अपोजिशन लास्ट में आएगा तो हम कामा केवल केवल जो है पहली बार लगाएंगे और लास्ट में जो है दूसरा कामा नहीं लगाएंगे, वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब बीच में आएगा तो दो कामा के बीच में अपोजिशन को रखेंगे, जो अपोजिशन में आएगा जो नाउन या फ्रेज उसको दो कामा के बीच में रखेंगे, लेकिन लास्ट में आएगा तो हम केवल एक तरफ कामा लगाएंगे और दूसरी तरफ जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये है द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, किसकी व्याख्या कर रहा है, लखनऊ की। दूसरा सेंटेंस क्या है कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। कह रहा है कि महात्मा गांधी क्या कह रहा है कि एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी एक महान नेता थे, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब देखिए महात्मा गांधी की व्याख्या कौन सी चीज करें इसमें, महात्मा गांधी क्या थे, एक ग्रेट लीडर थे। तो एक तो हम इस फ्रेज को अपोजिशन में रख सकते हैं, दूसरी और व्याख्या क्या कर रही है, क्या कर रहा है इसमें, ये कहा रहा है द फादर ऑफ द नेशन, ये महात्मा गांधी की व्याख्या ये भी कर रहा है कि महात्मा गांधी क्या थे, वो राष्ट्रपिता थे। तो इसमें से किसी को भी हम अपोजिशन में रख सकते हैं, अर्थात महात्मा गांधी के बगल में दो कामा के बीच में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी, अब इसमें अपोजिशन में किसको रखा है, यहाँ अपोजिशन में रखा है अ ग्रेट लीडर को, है ना, यहाँ पर देखिए अ ग्रेट लीडर, इस कॉल द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी एक महान नेता, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है अ ग्रेट लीडर को अपोजिशन में न रख करके हम जो द फादर ऑफ द नेशन को अपोजिशन रख दें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने किया है महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, ये अपोजिशन में है, इज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, एक महान नेता है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा इच के स्थान पर अगर वाच कर दें तो शायद बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने वाच कर दिया तो वाच रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी है। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें कि शेक्सपियर रोट मैकबेथ, शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा, ही वॉज ए ग्रेट इंग्लिश राइटर, वह एक महान इंग्लिश राइटर था। शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा, वह एक महान इंग्लिश राइटर था। तो शेक्सपियर की व्याख्या क्या कर रहा है, शेक्सपियर क्या था, शेक्सपियर अ ग्रेट इंग्लिश राइटर था, ठीक है। तो हम यहाँ इसको अपोजिशन में रख सकते हैं, शेक्सपियर के बाद दो कामा के बीच में हम इसको रख सकते हैं। तो हम इस तरह इसको बनाएंगे कि शेक्सपियर अ ग्रेट इंग्लिश राइटर रोट मैकबेथ, शेक्सपियर एक महान इंग्लिश राइटर, मैकबेथ लिखा। अब यहाँ पर अपोजिशन में क्या है, अपोजिशन में है अ ग्रेट इंग्लिश राइटर। नेक्स्ट देखते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि शेक्सपियर क्या था, वह मैकबेथ का राइटर था, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, वाज अ ग्रेट इंग्लिश राइटर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इस एग्जांपल को देखिए, यह कि कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही वाज एन इटालियन, वह एक इटालियन था। और तीसरा सेंटेंस क्या है, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। अब इसमें देखिए, इसमें तीन सेंटेंसेस हैं और तीनों को मिलाकर कर एक सेंटेंस बनाना है और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, कोलंबस एक फेमस सेलर था लेकिन वह इटालियन सेलर था। तो हम इस तरह कह सकते हैं, कोलंबस एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर था। हमने देखिए इस तरह, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया एक में, ठीक है। तो एक ही में आ गया। तो अब कोलंबस की व्याख्या क्या कर रहा है कि कोलंबस क्या था, एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर था और फिर इधर डिस्कवर्ड अमेरिका, जिसने अमेरिका की खोज की। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोलंबस कौन था, द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोजकर्ता, वाज अ फेमस सेलर, फेमस इटालियन सेलर, एक प्रसिद्ध इटालियन नाविक था।
अब यहाँ पर एपोजिशन में क्या हो गया, द डिस्कवर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोजकर्ता। तो हम किसी दोनों तरीके में से चाहे तो ऐसे करना चाहे चाहे तो इस तरह करना चाहे। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इंदिरा गांधी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, शी वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मार दिया गया। इसमें कह रहा है कि इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मार दिया गया। तो अब इसमें देखिए इंदिरा गांधी की व्याख्या क्या कर रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी क्या थी, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रधानमंत्री थी। तो हम चाहे तो इसको इसको जो है अपोजिशन में रख सकते हैं, अर्थात इंदिरा के बगल में, दो कामा के बीच में रख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये अपोजिशन देखिए हमने लिखा है इसको दो कामा के बीच में, क्योंकि ये व्याख्या कर रहा है किसकी, इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री, वॉज शॉटेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, उनके सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनको मार दिया गया। वे कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कबीरदास रोड द शकुंतलम, कबीरदास ने शकुंतलम लिखा, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, वह एक महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने शकुंतलम लिखा, वह एक महान पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। तो अब देखिए कालिदास की व्याख्या क्या कर रहा है, कालिदास की व्याख्या ये कर रहा है, कालिदास क्या थे, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो हम इसको जो है अपोजिशन में रख सकते हैं, अर्थात कालिदास के पास दो कामा के बीच में हम इसको रख सकते हैं। तो हम इस तरह इसको बनाएंगे कि कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ये क्या है, देखिए दो कामा के बीच में ये अपोजिशन में है, क्योंकि ये व्याख्या कर रहा है किसकी, ये कालिदास की व्याख्या कर रहा है। तो कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, कालिदास एक महान कवि और नाटक का, रोड दी शकुंतलम, उन्होंने शकुंतलम लिखा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्परस कॉलोनी, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। क्या इसमें कह रहा है कि दिस प्लेस वॉज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, यह स्थान एक बार एक समृद्ध कॉलोनी था, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस, अब यह जो है खंडहर का ढेर हो गया है। तो सबसे पहली बात कि दिस प्लेस, यह स्थान, इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, ये कह रहा है क्या था, ये कह रहा है एक बार प्रॉस्परस कॉलोनी था, किसके बारे में कर रहा है, ये कर रहा है दिस प्लेस के बारे में, ठीक है, इस दिस प्लेस के बारे में कर रहा है। तो हम इसे अपोजिशन में रख सकते हैं, ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि दिस प्लेस, अब इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, वो क्या था, वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, एक प्रॉस्परस कॉलोनी था। तो ये अपोजिशन में है, तो हम इसको दो कामा के बीच में हम रख सकते हैं इस तरह, दिस प्लेस वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो फाइनाइट वर्ब जो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, इसमें कौन है, इज है। अब नेक्स्ट है करें कि दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है, भारत एक पुराना शहर, दिल्ली एक पुराना शहर है और भारत की राजधानी है। अब इसमें देखिए दोनों अपोजिशन में है, दिल्ली क्या है, एन ओल्ड सिटी, ये भी अपोजिशन में है, और दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। तो इसमें से आप किसी को भी यू कैन पुट एनी इन अपोजिशन, ठीक है। तो आप इस तरह बनाएंगे इसको, दिल्ली, अब कैपिटल में किसको रखा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन ओल्ड सिटी। भाई नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वैरियर, राणा प्रताप एक महान योद्धा थे, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे, वह मेवाड़ के राजा थे। तब इसमें राणा प्रताप की व्याख्या देखिए दो चीज करिए, राणा प्रताप क्या थे, अ ब्रेव वैरियर थे, एक महान योद्धा थे, और दूसरा क्या थे, द किंग ऑफ मेवाड़। तो इसमें से चाहे तो आप इसको अपोजिशन में रख लें, चाहे तो इसे अपोजिशन में रखें, अर्थात राणा प्रताप के बगल में, दो कामा के बीच में हम इसमें से किसी को भी रख लेंगे। देखिए यहाँ पर तो इस तरह बनेगा, राणा प्रताप अ ब्रेव वैरियर, राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार जो है यह वीडियो कंप्लीट हुआ। हमने क्या पढ़ा, हमने इंग्लिश ग्रामर में
फार्मेशन ऑफ सिंथेसिस के अंतर्गत हमने पढ़ा फार्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, और किसका प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके हमने सीखा कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। इसमें कुल 8 विधियां हैं, कुछ विधियों का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और कुछ और भी विधियाँ बची हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड कर दूँगा। चूँकि यह वीडियो जो है मेरा ऑलरेडी सिंथेसिस और ट्रांसफ्रेशन का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन वो पुराना वीडियो है, थोड़ा सा उसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि नए वीडियोज़ जो है अपलोड कर दिए जाएँ अच्छे ढंग से। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।